नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं। हमारे साथ परम समाज सेवी बालक राम बहुत जी है। बालक राम जी, एक बात बताइए, आज जो सड़कों पर इतने सारे लोग उतरे हुए, क्या कारण है पीछे? देखिए, वो मजबूरी में उतरे हैं, सरकार ने मजबूर किया उनको उतरने के लिए जी। और सरकार निश्चित अगर अभी नहीं चली तो निश्चित देश में जो ना उसके भयानक दर्द होंगे, सरकार को भुगतने पड़ेंगे आगे इलेक्शन में भी। और वैसे भी सरकार को चाहिए कि जो अराजक का माहौल पैदा कर दे सरकार ने, जिस तरह से एक कूट नीति के कारण से आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अब जनता उसको समझ रही है, जनता उस नीति को भी समझ रही है और जनता उसका जवाब देगी, निश्चित जवाब देगी। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सभी पार्टियाँ हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे लालू प्रसाद जी की हो, चाहे सपा पार्टी हो, सभी पार्टियाँ एक रोड पर आ गई हैं। तो ये आने वाले देश के लिए क्या मैसेज आता है इसका? ये आने वाले देश का मैसेज ये है कि देखिए, समाज अब जागरूक हो चुका है और जो इस समय जो अभी जो देश के जो हालात हैं, किसी देश के विकास के लिए जो एक हुए हैं, किसी मतलब सरकार ने देश के विकास के लिए हुए हैं और देश का विकास चाहती है आम जनता, उसके लिए धरने प्रदर्शन बहुत होते रहे हैं, लेकिन हमेशा SC ST OBC के ऊपर ही क्या होते हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं। देखिए, सरकार की मानसिकता भी वही है, ये समाज सदियों से दबा चुका है, इसलिए उसको दबा चुका समझती है। अब वो स्थिति नहीं है, परंतु जो बाबा साहब के संविधान से समाज में क्या है, समाज में शिक्षा का दायरा बड़ा है, इस कारण से जो समाज का जो अब एक आंदोलन है वो बाबा साहब जैसे चाहते थे, वो निश्चित उस तरफ समाज का कदम बढ़ चुका है, समाज को बढ़ा के हमारे चल से बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू।